पड़ोसी देश नेपाल के धनुषा जिले के राम दहिया चुरेश्वर नगर पालिका वार्ड संख्या 2 निवासी रामप्रीत यादव पिछले कई वर्षों से विश्व कल्याण हेतु दंड प्रणाम करते हुए पशुपतिनाथ से बर्फानी बाबा अमरनाथ तक की यात्रा का दर्शन पूजन करते हैं। इस बार जनकपुर धाम से दंड प्रणाम करते हुए अमरनाथ की यात्रा पर निकले हैं। बाबा रामप्रीत दंडी यात्रा करते हुए आज शिवहर से गुजरने के दौरान बताया है कि 12 नवंबर 2021 को मैंने अमरनाथ के लिए दंड यात्रा प्रारंभ की है, जो जुलाई में अमरनाथ पहुंचकर बाबा बर्फानी का दर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि इसी तरह माँ वैष्णो देवी के दरबार में केदारनाथ, बद्रीनाथ, बाबा बैजनाथ धाम, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, रुद्रप्रयाग, काशी विश्वनाथ सहित जम्मू कश्मीर कैलाश धाम तक यात्रा कर चुके हैं। वर्ष 2008 से ही एक साइकिल लेकर कपड़ा वस्त्र लेकर दंडवत यात्रा करते हुए धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर पूजा पाठ करते हैं। नेपाल के हठ योगी बाबा ने लगातार 15वीं बार दंडवत यात्रा प्रारंभ किया है। सबसे पहले वर्ष 2008 में छुरेश्वर नाथ महादेव स्थान से बासुकीनाथ झारखंड तक, 2009 में काठमांडू के पशुपतिनाथ से बासुकीनाथ दुमका झारखंड तक, 2010 में पशुपतिनाथ काठमांडू से बैजनाथ धाम होते हुए रामेश्वर धाम तमिलनाडु तक, वर्ष 2011 में पशुपतिनाथ काठमांडू से बनारस होते हुए रुद्रप्रयाग तक, 2015 में परशुराम तालाब धनुषा से वैष्णो देवी होते हुए बाबा अमरनाथ तक यात्रा पूर्ण कर चुके हैं, 2016 में वैष्णो देवी होते हुए बाबा अमरनाथ तक, 2018 में जनकपुर धाम नेपाल से माता वैष्णो देवी होते हुए अमरनाथ बर्फानी बाबा तक की यात्रा पूरी कर चुके हैं। ऐसे हठ योगी दंड प्रणाम करने वाले महात्मा को देखने के लिए जगह जगह लोगों की भीड़ लगी हुई है। बीएनपी न्यूज के लिए शिवहर से संवाददाता नवीन पांडे की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ? रामप्रीत यादव। रामप्रीत यादव कहाँ के रहने वाले हैं आप? नेपाल जनकपुर धाम रामदेव भवारी है। आपका यात्रा कहाँ से कहाँ तक है? यात्रा जनकपुर धाम से अमरनाथ का। कई साल से आप इस यात्रा पर निकले हुए हैं? 5 से यात्रा किए, 8 से यात्रा लिखते हैं, 6 लिंग का यात्रा किए हैं, बैजनाथ के नाम पर ये बात के नाम पर ये यात्रा पिता कभी किए हैं, 8 से यात्रा लिखते हैं, 5 से लेकर 8 से यात्रा लिखते हैं। कई साल से अब लगातार जा रहे हैं? लगातार यात्रा हम लोग का चलता ही है, 17 वाले यात्रा यही माँ मरने के बाद में छोड़ दिए, यही सी बात है। कई साल पूर्व से आप जा रहे हैं? वही तो कहते हैं 5 से लेके अभी कितना हो गया, 2005 से अभी तक आप जा ही रहे हैं। हाँ, जा ही रहे, जिसमें 17 के यात्रा में माँ मर गया था, वही डीएम आपका पहुँचाया था, शिवहर का डीएम मेरा नेपाल यात्रा था। 2017 में आप शिवहर जब आए थे तो आपकी माँ एक्सपायर कर गई थी, उसमें फिर यहाँ से आपको जिला प्रशासन द्वारा आपके घर तक पहुँचाया गया था। हाँ, प्रभात कुमार वीडियो है ना, वो फोन किया था, वही लेकर मेरा उनको पहुँचाया था, उनको गाड़ी हमारे। आपके साथ में अकेले हैं कि कोई आदमी और है? नहीं, अकेले हैं। अकेले है।